कोशाखाना केस में इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई और उसके खिलाफ फिर कैबिनेट डिवीजन जो है वो वहाँ पर हाई कोर्ट में गई। अब हाई कोर्ट की जानिब से क्लियर रिमार्क्स आए हैं लास्ट हियरिंग पे कि हमारी तरफ से कोई बाउंडिंग नहीं है इंफॉर्मेशन कमीशन पर, हमने कोई स्टे आर्डर जारी नहीं किया, इंफॉर्मेशन कमीशन आज़ाद है कि वो कोई भी कार्रवाई करना चाहता है इस इदारे के खिलाफ तो वो कर सकता है। तो तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए इस सारे प्रोसेस को, वैसे जनवरी में आपका ये फैसला आया था, तो अब क्या फर्दर आपकी तरफ से इनिशिएट की गई? अच्छा, मैंने वो रिटर्न कमेंट्स देखे नहीं, अगर वो वर्बल हैं तो हमारे पास अभी आप पहुँचा रहे हैं, मैंने वैसे किसी और से भी सुना था, तो क्योंकि कोर्ट का मामला है हम देखेंगे, अगर वो स्टे तो नहीं हमें पता, क्योंकि एक और सवाल अभी थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास आया है, उस पर हमने लास्ट वीक हियरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने दो सबका प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछा है ये भी, और एक और जो हेलीकॉप्टर यूज़ था वो भी, तो वो सबका दो प्राइम मिनिस्टर भी और करंट प्राइम मिनिस्टर भी वो भी केस लेके वो गए हैं, हम इंशाल्लाह उस पर भी देखेंगे, लेकिन ये जो आपने बात बताई है इस पर देखेंगे कि कोर्ट के चेक डायरेक्शन क्या है, तो लेकिन बेहतर है कि वेट एंड सी कर लें, अगर वो इतना सा गुजर गया ठीक है, अगर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट कब तक आना है ये, क्योंकि जो कोर्ट में था पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने थे, वो उस हियरिंग के बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आपको बेहतर मालूम होगा इस हवाले से कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने ओपन 2-3 बार जो है जो प्रोसिक्यूशन है गवर्नमेंट की, उन्हें कहा है कि इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि भई आपने जो है पूरी इंफॉर्मेशन ही आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, आप बताएं कि कौन सी ऐसी है जो हसास है, फिर बाकी जो है हिस्सा पोर्शन वो आप पब्लिक कर दें। तो इसमें अब इंफॉर्मेशन कमीशन पे ऐसा लग रहा है जो लास्ट, क्योंकि मैं इस केस को टोटल देख रहा हूँ, तो लास्ट हियरिंग पे बाल जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के कोर्ट में आई है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। वैसे आपकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग में आपने क्या सज़ा क्या है उसमें? वो हमारा सेक्शन 20 है, लेकिन मैं ये बात करूँ, हमें तो ये पता चला था कि गवर्नमेंट ने टाइम मांग लिया और कोर्ट ने फर्दर टाइमिंग टाइम दे दिया थोड़ा सा, सही, जब तक वो टाइम का फैसला नहीं होता, लेकिन हमारे पास सेक्शन 20 के तहत फाइन करने की। अच्छा, सिर्फ आप फाइन कर सकते हैं या इसमें कोई ये है कि अगर वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और हमें सबूत मिला तो आप उसकी इंक्वायरी कराएंगे, उस पर फिर 2 साल की कैद भी है और 1 लाख जुर्माना भी है, कोई वो और प्रोसीजर है उसके लिए। अभी तो सिर्फ ये कि हमारे आर्डर को नॉट इम्प्लीमेंटिंग उस पर शो कॉज किया था, तो शो कॉज के अगेंस्ट वो कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता हमें तो ये पता चला कि कोर्ट से उन्होंने टाइम मांगा और कोर्ट ने फॉर द टाइमिंग टाइम उनको दे दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी केस चल रहा है कि वो भी एक इंफॉर्मेशन कमीशन से होता हुआ वो भी वहाँ पर गया है, तो ये ज़्यादातर फैसले चैलेंज हो रहे हैं, इस पे आप क्या कमेंट? ज़्यादातर नहीं हो रहे हैं, आपको स्टेटिस्टिक्स दिएंगे, 395 हमारे डिसीजन है, उसमें से 20-25 गए हैं कोर्ट में, ज़ाहिर है लोगों का हक है कोर्ट में जाने का, और कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा, अगर वो स्टे आर्डर होता तो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी सब जुडिस मैटर है, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं अभी करूँगा, लेकिन जो भी लॉ में है प्रोविजन उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह करेंगे, सेक्शन 20 से करेंगे, अगर हमें ये पता चल रहे कि रिकॉर्ड टेम्परिंग या रिकॉर्ड ख़त्म करने की कोशिश की गई तो फिर वो सरकारी महकमा जिम्मेदार होता है, उसके 2 साल की सजा भी है और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी है। सर, इंफॉर्मेशन कमीशन की जो बॉडी है यहाँ पर हमने देखा कि आपके जो अफसान है इसमें कोई खातून हमें नज़र नहीं आई, तो क्या खातून कोई अहल नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है? आप ज़रा अपना रिकॉर्ड बुस कर लें, हमारी एक असिस्टेंट ये सामने खातून है, ठीक, हमारी एक डिप्टी डायरेक्टर है, ऑन डेपुटेशन है, तो क्योंकि हमें हमारी मजबूरी है कि हम अभी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, वो FPSC करेगा, एक हमारी डिप्टी डायरेक्टर खातून है, एक हमारी असिस्टेंट खातून है, हमारे पास सिंध से भी लोग हैं, हमारे पास KPSC के लोग हैं, हमारे पास पंजाब से भी लोग हैं, पाकिस्तान से नहीं है, कोई कैंडिडेट आया नहीं, बस हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास एक पार्ट टाइम बंदा हमने इधर का रखा हुआ है GB का, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।